तो प्यारे विद्यार्थियों, अब हम पढ़ते हैं आज टाइप्स ऑफ वेरियस ऑर्गेनिक रिएक्शन. टाइप्स ऑफ वेरियस ऑर्गेनिक रिएक्शंस. अभी तक हमने ऑर्गेनिक रिएक्शन के फंडामेंटल्स पढ़े कि क्या क्या इफेक्ट्स होते हैं, कैसे वो रिएक्शन को कंट्रोल करते हैं, कैसे उनके ऊपर अपना इफेक्ट डालते हैं, क्या क्या प्रोसेस होता है रिएक्शन के दौरान, वेरियस टाइप्स के इंटरमीडिएट्स कैसे बनते हैं. और अब हम पढ़ेंगे कि कितने तरह की ऑर्गेनिक रिएक्शन होती है. सबसे पहले द फर्स्ट इज द सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन. मेनली आपको चार तरह की ऑर्गेनिक रिएक्शन देखने को मिलेगी. फर्स्ट इज द सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, सेकेंड इज द एडिशन रिएक्शन, थर्ड इज द एलिमिनेशन रिएक्शन एंड फोर्थ वन इज द रीअरेंजमेंट रिएक्शन. ये चार मेनली आपको ऑर्गेनिक में पढ़ने को मिलती है. रीअरेंजमेंट रिएक्शन, चारों को यही समझे. सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, सब्स्टिट्यूशन, सब्स्टिट्यूट, सब्स्टिट्यूट मतलब कि एक की जगह दूसरे का आना, उसका सब्स्टिट्यूशन देना. यहां पे एक एटम और ग्रुप की जगह उसी के जैसा दूसरा एटम और ग्रुप आ जाएगा, तो वो रिएक्शन आपकी कहलाएगी सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन. सेकेंड इज द एडिशन रिएक्शन, एडिशन रिएक्शन जिसमें कि कोई ग्रुप आपका एड होगा, एडिंग होगी, है ना, कोई भी आपका इसमें से कुछ निकलेगा नहीं और कोई रिएजेंट है वो आपके सब्सट्रेट पे जाके ऐड हो जाएगा. तो मेनली ये रिएक्शन आपकी होती है जिनमें आपके डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड होते हैं, क्योंकि वो आपके रिएक्शन सेंटर होते हैं. थर्ड वन इज द एलिमिनेशन रिएक्शन. एलिमिनेशन, एलिमिनेट करना, निकलना. इसमें से एटम और ग्रुप आपके एलिमिनेट होंगे, बाहर निकलेंगे. फोर्थ वन इज द रीअरेंजमेंट. रीअरेंजमेंट मीन्स विद इन द मॉलिक्यूल, मतलब मॉलिक्यूल के अंदर आपके ग्रुप और एटम अरेंज होंगे. जैसे सपोज आपका कोई सब्सट्रेट है और सब्सट्रेट वो स्ट्रेट चेन है और स्ट्रेट चेन आपका फाइव मेंबर कंपाउंड है और वो आपका फिर वही फाइव मेंबर कंपाउंड आपका स्ट्रेट चेन की बजाय साइक्लिक में चेंज हो जाए या उसके ग्रुप और एटम दूसरी पोजीशन ले लें. मींस कि विद इन द मॉलिक्यूल रीअरेंजमेंट ऑफ एटम और ग्रुप्स अकर. तो सब्स्टिट्यूशन, सब्स्टिट्यूट, एडिशन एडिंग, एलिमिनेशन निकलना, रीअरेंजमेंट मींस रीअरेंज होना आपके मॉलिक्यूल, किस तरीके से विद इन द मॉलिक्यूल आपके एटम और ग्रुप अरेंज होंगे. अब इनको हम वन बाय वन पढ़ते हैं. सबसे पहले आता है आपका सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन. सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन मींस वन ग्रुप इज सब्स्टिट्यूटेड बाय द अनदर ग्रुप. अब सेकेंड, ये आपके तीन तरीके के आपको देखने को मिलते हैं सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन. फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन एंड थर्ड वन इज द इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, राइट. अगर आपका एक न्यूक्लियोफाइल दूसरे न्यूक्लियोफाइल से सब्स्टिट्यूट होता है तो न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन. देखिए, आप घर में भी ऐसे देखते हैं कि अगर किसी की जगह आपको दूसरा कोई उसका सब्स्टिट्यूट लाना है तो उसी की जैसे नेचर का आपको लाना पड़ेगा, तभी तो काम चलेगा, है ना. तो उसी तरीके से यहाँ पे न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन है तो वन न्यूक्लियोफाइल विल बी सब्स्टिट्यूटेड बाय द अनदर न्यूक्लियोफाइल. एक न्यूक्लियोफाइल की जगह दूसरा न्यूक्लियोफाइल आएगा. इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन जिसमें एक इलेक्ट्रोफाइल की जगह दूसरा इलेक्ट्रोफाइल आएगा. एंड फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन जिसमें कि आपके फ्री रेडिकल के थ्रू सब्स्टिट्यूशन होगा. ये आप रिएक्शन 12th से पढ़ते आ रहे हैं. जैसे कि आपने लिया मीथेन, क्लोरीन के साथ रिएक्शन करी इन द प्रेजेंस ऑफ अ सनलाइट और एनर्जी पैकेट एंड इस तरीके से हमें कंपाउंड मिला. तो यहाँ पे फ्री रेडिकल क्या है, क्लोरीन का जो फ्री रेडिकल है वो रिएक्शन आपकी करता है
और एक की जगह दूसरा आपका फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूट होके आपका प्रोडक्ट बनाता रहता है। अगर हम न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन की बात करें तो न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन मींस वन न्यूक्लियोफाइल विल बी सब्स्टिट्यूटेड बाय द अनदर न्यूक्लियोफाइल। सपोज ये रिएजेंट है जिसने बीआर प्रोवाइड किया और यहाँ पे एक न्यूक्लियोफाइल यानी ओएच आयन की जगह बीआर आयन आ गया, है ना, न्यूक्लियोफाइल जिस पे नेगेटिव चार्ज होता है ना, अभी आपको समझाया रिएजेंट। तो यहाँ पे इस न्यूक्लियोफाइल की जगह ये सब्स्टिट्यूट आपका हो गया, तो ये आपका कहलाया न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन जिसमें कि वन इलेक्ट्रोफाइल will be substituted by the another electrophile। यहाँ पे हमने anhydrous FeCl3 लिया और यहाँ पे एक H, H ion is the electrophile, उसकी जगह आपका Cl ion आपका आ गया। यहाँ पे क्या हो रहा है कि one electrophile कौन सा H positive की जगह आपका Cl negative आप इसको replace कर रहा है। तो ये आपका हुआ इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन जिसमें वन इलेक्ट्रोफाइल विल बी सब्स्टिट्यूटेड बाय द अनदर न्यूक्लियोफाइल। ये जो रिएक्शन होती है इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, ये आपकी एरोमेटिक कंपाउंड की बेंजीन की करेक्टरिस्टिक रिएक्शन होती है। ये बेंजीन में बहुत आपको देखने को मिलते हैं। फ्री रेडिकल रिएक्शन सब्स्टिट्यूशन की बात करें तो फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन इसी तरीके से वाया द एनी फ्री रेडिकल ये प्रोसेस आपका चलता चला जाता है ना। हम इसके मैकेनिज्म में नहीं जाएंगे क्योंकि अभी हमें सिर्फ टाइप्स ऑफ ऑर्गेनिक रिएक्शन पढ़ना है। फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन एंड इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। यहाँ पे अगर हम बात करें न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन की, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन अगेन इज ऑफ मेनली टू टाइप सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। फ्री रेडिकल तो आपने पढ़ लिया वाया द फ्री रेडिकल मैकेनिज्म, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन इज ऑफ SN1, SN2 एंड SNI इंटरमोलिकुलर, है ना। अब यहां पे अगर हम देखें न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन आपकी SN1 एंड SN2, SN1 मींस सब्स्टिट्यूशन न्यूक्लियोफिलिक, वन स्टैंड्स फॉर यूनिमोलिकुलर, सब्स्टिट्यूशन न्यूक्लियोफिलिक, टू स्टैंड्स फॉर बाय मॉलिकुलर। छोटा सा डिस्कशन करेंगे एंड सब्स्टिट्यूशन न्यूक्लियोफिलिक इंटर मॉलिकुलर, ठीक है। इसमें मेनली आपको आगे चल के SN1 और SN2 पढ़ना होता है, तो यहाँ पे छोटा सा ब्रीफ डिस्कशन करेंगे अबाउट द SN1 एंड SN2। SN1 और SN2 रिएक्शन क्या है, SN2 की बात करें तो हम इसको कह रहे हैं सब्स्टिट्यूशन न्यूक्लियोफिलिक बाय मॉलिकुलर, ठीक है। इसको हम बाई मॉलिकुलर क्यों कह रहे हैं, क्योंकि यहां पे रेट ऑफ रिएक्शन डिपेंड्स अपॉन द टू थिंग्स, दैट इज द सबस्ट्रेट एंड द रिएजेंट। तो दो चीजों पे डिपेंड कर रहा है रेट ऑफ रिएक्शन, तो इसीलिए हम इसको कह रहे हैं बाई मॉलिकुलर, राइट। तो जैसे कोई भी आप रिएक्शन ले लें, सपोज हम CH3OH लिया, है ना, BR लिया, हम इस OH आयन की जगह BR लगा रहे हैं और ये आपका निकल रहा है। अगर रेट ऑफ रिएक्शन सबस्ट्रेट और रिएजेंट दोनों पे डिपेंड करता है तो वो आपका कहलाता है सब्स्टिट्यूशन न्यूक्लियोफिलिक बाय मॉलिकुलर, राइट। SN1 शॉर्ट में अगर हम पढ़ रहे हैं, दैट इज सब्स्टिट्यूशन न्यूक्लियोफिलिक यूनिमोलिकुलर means rate of reaction depends upon the two things। तो यहां पे अगर हम यही रिएक्शन करें और रेट ऑफ रिएक्शन सिर्फ आपका सबस्ट्रेट पे डिपेंड करे तो वो आपका कहलाता है, एक ही चीज पे रिएजेंट पे डिपेंड नहीं करे तो वो आपका कहलाता है SN1। फिर फर्दर इनकी मैकेनिज्म है काफी लंबा, है ना। अभी आप SN1 एंड SN2 में डिस्टिंग्विश करना, इनमें अंतर समझना आप समझें। SN2 में रेट ऑफ रिएक्शन दोनों चीज पे इसलिए डिपेंड कर रहा है कि ये रिएक्शन आपकी वन स्टेप रिएक्शन होती है, एक ही स्टेप में ये रिएक्शन होती है
और ये बहुत फास्ट रिएक्शन होती है, बीच में एक ट्रांजिशन स्टेट बनती है एंड ट्रांजिशन स्टेट इज इमीडिएटली कन्वर्टेड इनटू द प्रोडक्ट. तो यहाँ पे रेट ऑफ रिएक्शन दोनों पे डिपेंड करता है. बट इन SN1 व्हाट हैपन कि फर्स्ट सबस्ट्रेट आपका कन्वर्ट होता है इनटू देयर कार्बोकेटायन. ठीक है, पहले सबस्ट्रेट में से आपका एक न्यूक्लियोफाइल निकल जाएगा. इट्स अ टू स्टेप प्रोसेस. SN1 इज अ टू स्टेप प्रोसेस. दो स्टेप की प्रोसेस है जिसमें कि आपका सबस्ट्रेट जो है पहले कार्बोकेटायन बनाएगा, अपने में से एक न्यूक्लियोफाइल निकालेगा, फिर स्टेप टू में दूसरा न्यूक्लियोफाइल आएगा, उस पर जुड़ेगा और आपका प्रोडक्ट बनाएगा. तो जो फर्स्ट स्टेप होता है वो आपका स्लो स्टेप होता है. एंड स्लो स्टेप में आपका सिर्फ सबस्ट्रेट इन्वॉल्व होता है, इसीलिए रेट ऑफ रिएक्शन जो है वो आपका सिर्फ सबस्ट्रेट पर डिपेंड करता है. इसको मैं आपको करके बताती हूँ कि किस तरीके से SN1 में ये रिएक्शन होती है. एक बार रिएक्शन देखेंगे, दोनों की रिएक्शन लिखते हैं. SN2 सपोज हमारे पास CH3OH है, राइट, और यहां पे रिएजेंट अटैक कर रहा है. तो फर्स्ट क्या होगा, इन द फर्स्ट स्टेप दिस रिएजेंट कम्स फ्रॉम द बैक साइड ऑफ दिस एंड इट विल फॉर्म लाइक दिस. एक ट्रांजिशन स्टेट बीच में बनेगी आपकी और ये BR पीछे से अटैक करेगा और OH यहां से निकलेगा. इसको ट्रांजिशन स्टेट को हमने ऐसे हैश साइन से दिखाया. एंड नाउ ये ट्रांजिशन स्टेट में फटाफट से BR यहां से निकल जाएगा एंड वी गेट द इन्वर्टेड प्रोडक्ट. OH निकल जाएगा एंड वी गेट द इन्वर्टेड प्रोडक्ट, है ना. और यहीं पे हमें एक चीज देखने को मिलती है कि जो भी आपका कंपाउंड होगा इन्वर्जन ऑफ कॉन्फ़िगरेशन हमें यहां देखने को मिलेगा. इन्वर्जन ऑफ कॉन्फ़िगरेशन ये क्या होता है, मींस कि जो भी आपका एटम और ग्रुप का अरेंजमेंट सबस्ट्रेट में होगा उससे उल्टा, उससे अपोजिट आपको यहां पे कॉन्फ़िगरेशन देखने को मिलेगा. अगर इसका कॉन्फ़िगरेशन R है तो ये S होगा, अगर ये S है तो ये आपका R होगा. तो इस तरीके से हमें इन्वर्जन ऑफ कॉन्फ़िगरेशन देखने को मिलता है. एंड रेट ऑफ रिएक्शन डिपेंड्स अपॉन द टू थिंग्स, दैट इज द सबस्ट्रेट एंड द रिएजेंट. दोनों की दोनों आपके इन्वॉल्व हो रहे हैं रिएक्शन में, तो इसीलिए हम इसको SN2 बाय मॉलिकुलर कहते हैं. इन SN1 व्हाट हैपेंस, इन SN1 फर्स्ट दिस सबस्ट्रेट, सपोज हमारे पास एक कंपाउंड है, हमने इसको लिया, फर्स्ट इट कन्वर्ट इनटू दिस, राइट, एंड दिस इज द स्लो स्टेप. नाउ दिस कार्बोकेटायन में BR आएगा एंड इट विल फॉर्म दिस. एंड स्लोएस्ट स्टेप इज द रेट डिटरमाइनिंग स्टेप. स्लो स्टेप रेट डिटरमाइनिंग स्टेप होता है. तो ये आपका इस स्टेप में सिर्फ आपका सबस्ट्रेट इन्वॉल्व हो रहा है, तो इसीलिए ये जो है आपका रेट ऑफ रिएक्शन डिपेंड्स अपॉन ओनली द वन थिंग, दैट इज द सबस्ट्रेट. ठीक है, तो इस तरीके से इसका नाम हमने रखा SN1 SN2. ठीक है, एंड हेयर वी गेट द बोथ टाइप ऑफ अ प्रोडक्ट. जैसे यहां पे हमें वॉल्डन इन्वर्जन देखने को मिला ना, यहां पे ऐसा नहीं होता, यहां पे हमें ये इन्वर्टेड प्रोडक्ट भी मिलेगा और सेम भी मिलेगा. सो हेयर वी गेट द रेसिमिक मिक्सचर ऑफ द प्रोडक्ट, राइट. ठीक है, तो इस तरीके से दैट इज द डिफरेंस बिटवीन SN1 एंड SN2 के बीच में क्या डिफरेंस है. SNI जिसमें इंटरमोलिकुलर आपको रीअरेंजमेंट देखने को मिलेगा. सेकेंड सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, जैसे मैंने आपको बताया कि बेंजीन वाला है इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, राइट. इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन जिसमें कि वन इलेक्ट्रोफाइल विल बी सब्स्टिट्यूटेड बाय द अनदर इलेक्ट्रोफाइल, राइट. इसके लिए हम इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, इसमें देखें क्या मैकेनिज्म होती है. इन इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन द फर्स्ट स्टेप इज द जेनरेशन ऑफ इलेक्ट्रोफाइल. जेनरेशन ऑफ इलेक्ट्रोफाइल, राइट.
जनरेशन ऑफ इलेक्ट्रोफाई, इसमें क्या होगा कि आपका सबसे पहले इलेक्ट्रोफाई जनरेट होगा, राइट? तो सबसे पहले आपने इलेक्ट्रोफाई जनरेट किया, जैसे कि हम बात कर रहे हैं Cl2 यहाँ पे रिएजेंट है, ठीक है? इसमें हमने एनहाइड्रस AlCl3 या FeCl3 आप ले सकते हैं, एक आपने इलेक्ट्रोफाइल जनरेट किया और यहाँ पे ये आपका दूसरा प्रोडक्ट बन गया। अब आपने यहाँ पे इलेक्ट्रोफाइल जनरेट कर लिया, बिकॉज इट्स अ इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन है, एक इलेक्ट्रोफाइल की जगह दूसरा इलेक्ट्रोफाइल आएगा, राइट? तो यहाँ पे ये जो Cl है ये यहाँ पे अटैक करेगा और एक एच आयन इसका यहां से निकलेगा एंड वी गेट दिस टाइप ऑफ अ प्रोडक्ट, ठीक है? यहां पे इस तरीके से ये Cl बना और यहां से जो एच आपका निकलेगा वो यहां पे FeCl3 एंड HCl, इस तरीके से प्रोडक्ट आपका बच जाएगा, है? ये FeCl4 जो आपने यहां पे, क्योंकि ये भी पड़ा हुआ है साथ में इसके, है ना, तो ये भी है और इस तरीके से आपका प्रोडक्ट बन जाएगा। सो ये हुआ आपका इलेक्ट्रोफाइल इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, वन इलेक्ट्रोफाइल विल बी सब्स्टिट्यूटेड बाय द अनदर इलेक्ट्रोफाइल, ठीक है? तो ये हुआ आपका इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। इसके बाद आता है, ये आपकी डिफरेंट टाइप की सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन हुई। सेकेंड है आपका एडिशन रिएक्शन। एडिशन रिएक्शन जो है आपकी मेनली दो तरह की रिएक्शन होती है, फ्री रेडिकल एडिशन रिएक्शन भी होती है, लेकिन जो हम ऑर्गेनिक रिएक्शन मैकेनिज्म में पढ़ते हैं वो आपकी मेनली दो तरह की होती है, एक तो इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन, एडिशन को मैंने ए से दिखाया, रिएक्शन को आर से, एंड न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन, ठीक है? जैसे नाम से पता चल रहा है कि अगर इलेक्ट्रोफाइल ऐड होगा तो इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन, अगर न्यूक्लियोफाइल ऐड होगा तो न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन, बट ऐसा नहीं होता है। क्या होता है यहाँ पे कि अगर पहले इलेक्ट्रोफाइल ऐड होता है फिर न्यूक्लियोफाइल ऐड होता है तो वो कहलाता है इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन, और अगर पहले न्यूक्लियोफाइल ऐड होता है देन इलेक्ट्रोफाइल आता है रिएजेंट में से तो वो आपका कहलाता है न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन। मतलब ऐड तो दोनों ने होना है, पॉजिटिव पार्ट ने भी और नेगेटिव पार्ट ने भी, लेकिन जो पहले ऐड होगा उसके हिसाब से हमने यहाँ पे नाम दे दिया। अब एडिशन है तो ऐड होना है किसी ने, तो आपके सब्सट्रेट में कोई ना कोई रिएक्शन सेंटर होना चाहिए। तो हमने सपोज, तो ये जो आपकी रिएक्शंस हैं वो आपकी डबल बॉन्डेड और ट्रिपल बॉन्डेड में होती है, क्यों? क्योंकि यहाँ पे इसमें एक पाई बॉन्ड है एक सिग्मा बॉन्ड है, पाई बॉन्ड आपका वीक बॉन्ड होता है, तो जब भी रिएक्शन होगी तो ये पाई बॉन्ड पे इसको अटैक करेगा और आपकी रिएक्शन फास्ट होगी। अब देखिए इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन हम पढ़ते हैं यहाँ पे, बहुत इंटरेस्टिंग है अगर आप इसको ध्यान से सुने तो। आपके रिएजेंट हम ले लेते हैं जिसमें कि एक आपका न्यूक्लियोफाइल है और एक आपका इलेक्ट्रोफाइल है, बहुत ईजी वे में मैं आपको समझाऊंगी। तो यहां पे हमने एडिशन रिएक्शन करानी है, ये रिएजेंट है ये सबस्ट्रेट है, हमें पता है कि ये रिएक्शन सेंटर है, तो हम कह रहे हैं इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन करानी है तो फर्स्ट इलेक्ट्रोफाइल विल ऐड। अब ये इलेक्ट्रोफाइल यहां भी ऐड हो सकता है और यहां भी ऐड हो सकता है क्योंकि रिएक्शन सेंटर तो दोनों है, ठीक है? तो मैं दोनों जगह इसको ऐड करके बनाती हूं। ठीक है, एक बार मैंने इस कार्बन पे इसको अटैच कर दिया, एक बार इस इधर आपके अटैच कर दिया, ठीक है? फर्स्ट मैंने इधर अटैच किया हुआ, फिर मैंने इसको यहां पे ऐड किया हुआ। अब न्यूक्लियोफाइल आएगा और वो इस पे अटैच होगा। अब कहां अटैच होगा इसके लिए तो धर्मसंकट की बात है कि यहां भी हो सकता है और यहां भी हो सकता है। तो ये न्यूक्लियोफाइल कहां ऐड होगा वो इन दोनों की स्टेबिलिटी पर डिपेंड करेगा, और मैंने आपको कार्बोकेटाइन की स्टेबिलिटी में बताया कि प्राइमरी कार्बोकेटाइन से सेकेंडरी कार्बोकेटाइन ज्यादा स्टेबल होता है, तो ये आपका ज्यादा स्टेबल होता है तो ये इसको यहां प्रिफर करेगा और ये यहां पे जाके ऐड हो जाएगा, पॉजिटिव नेगेटिव की तरफ ऐड हो जाएगा।
although ये nucleophile capable है यहाँ भी add होने के लिए, यहाँ भी add होने के लिए, but ये इसको prefer करता है, तो इस घटना को, इस process को हम कहते हैं regioselectivity, regioselectivity, regioselectivity word आपको देखने को अपनी book में मिलेगा. Regioselectivity means कि ये जो आपका nucleophile था, इन दोनों region पे जा सकता था, लेकिन ये एक particular region के लिए selective था. कि इसकी स्टेबिलिटी ज्यादा है तो मैं ये यहां जाके अटैच हो जाता हूं और वो वहां जाके अटैच हो गया. दोनों के लिए कैपेबल था और इसको हमने कहा रीजन के लिए सिलेक्टिव, तो वो आपका कहलाया रीजियो सिलेक्टिविटी. और यही आपका मार्कोनी कॉफ रूल है. आप पढ़ते थे ना एडिशन, मतलब मार्कोनी कॉफ, मार्कोनी कॉफ रूल. Markovnikov of rule क्या कहता है? The negative part will goes to that carbon species that having less number of hydrogen atom. Negative part आपका reagent का उधर जाएगा जिसपे less number of hydrogen atom है. और ये यहीं गया. तो इस दोनों को हमने ऐसे समझ सकते हैं कि regioselective भी है और Markovnikov of rule भी यही कह रहा है कि negative part वहाँ जाएगा which have less number of hydrogen atom. तो इस तरीके से आपने इसको करा. तो यहां पे जब भी आप इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन पढ़ेंगे, न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन पढ़ेंगे, दोनों में इलेक्ट्रोफाइल ने भी ऐड होना है और न्यूक्लियोफाइल ने भी ऐड होना है. जो पहले ऐड हो जाएगा उस हिसाब से हम इसको रिएक्शन दे देते हैं. न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन वहां देखने को मिलती है जहां पर आपके पोलर फंक्शनल ग्रुप होते हैं. पोलर फंक्शनल ग्रुप मींस कि जिनमें दो पोल बन जाते हैं. जैसे हमने इंडक्टिव इफेक्ट में पढ़ा था कि इनकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस होने की वजह से ये इधर इलेक्ट्रॉन चला जाएगा क्योंकि ये सिक्स ग्रुप में है, फोर्थ ग्रुप में, तो ये पार्शियल नेगेटिव हो जाएगा, ये पार्शियल पॉजिटिव हो जाएगा. अब क्योंकि ये न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन है तो पहले न्यूक्लियोफाइल आएगा और पहले न्यूक्लियोफाइल आपका एड होगा पॉजिटिव. ये नेगेटिव है न्यूक्लियोफाइल, ये पॉजिटिव की तरफ आएगा पहले, और फिर जो आपका पॉजिटिव स्पीशीज है इलेक्ट्रोफाइल है, देन वो आएगा और नेगेटिव की तरफ ऐड होता चला जाएगा. इसको हम ऐसे भी समझ सकते हैं. देखिए इसको आर सी ओ आर, सपोज मैं एस सी एल का एडिशन करती हूं, राइट? ठीक है. अब क्या है, यहां पे ये इधर शिफ्ट हो गया, ये नेगेटिव हो गया, ये पॉजिटिव हो गया, क्योंकि ये पोलर फंक्शनल ग्रुप है तो इसमें न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन होगा, तो न्यूक्लियोफाइल पहले आएगा आपका, तो ये इधर ऐड होगा न्यूक्लियोफाइल पॉजिटिव नेगेटिव की तरफ, नेगेटिव पॉजिटिव की तरफ, देन फिर ये इधर आके अटैच हो जाएगा एंड वी गेट दिस कंपाउंड. ठीक है. तो इस तरीके से अगर आपको प्रोडक्ट बनाने के लिए भी आए तो हमेशा जब भी एडिशन में सब्सट्रेट में आप अपने ढूंढिए कौन सा पॉजिटिव है कौन सा नेगेटिव है ना. न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन में जहां पोलर फंक्शनल ग्रुप होगा, जैसे SH है, CO है, इस तरीके के पोलर फंक्शनल ग्रुप होंगे, तो आप इसमें देखिए कौन सा पॉजिटिव है कौन सा नेगेटिव है. वो कैसे देखेंगे, जहां जो इलेक्ट्रो जो पीरियोडिक टेबल में ज्यादा आपके आगे की तरफ होगा, लेफ्ट टू राइट जाने पर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इंक्रीज होती है. तो ये सिक्स ग्रुप में है, ये फोर्थ ग्रुप में है, तो इसकी तरफ इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा है, तो इलेक्ट्रॉन इधर शिफ्ट हो गए, ये नेगेटिव बन गया, ये पॉजिटिव बन गया. अब अपने रिएजेंट में ढूंढिए कौन सा पॉजिटिव है कौन सा नेगेटिव है, फिर अब ये पॉजिटिव है ये नेगेटिव है, अब यहां भी पॉजिटिव है या नेगेटिव है, तो नेगेटिव पॉजिटिव की तरफ जाएगा, पॉजिटिव नेगेटिव की तरफ जाएगा, अपोजिट पोल्स अट्रैक्ट, है ना. तो इस तरीके से आप कोई भी प्रोडक्ट बना सकते हैं. जो आपको रिएक्शन नहीं भी आती है, अपने सबस्ट्रेट में ढूंढिए पॉजिटिव नेगेटिव पार्ट, अपने रिएजेंट में ढूंढिए पॉजिटिव नेगेटिव पार्ट, और नेगेटिव पॉजिटिव की तरफ, पॉजिटिव नेगेटिव की तरफ, अपोजिट पोल्स अट्रैक्ट, और आपके प्रोडक्ट बन जाएंगे. तो इस तरीके से एडिशन रिएक्शन आपकी होती है. जो भी पहले ऐड होता है इलेक्ट्रोफाइल या न्यूक्लियोफाइल, उस हिसाब से हम इनका नाम रख देते हैं. एडिशन रिएक्शन के बाद आता है आपका एलिमिनेशन रिएक्शन. किसी भी चीज में से कोई भी चीज, एटम और ग्रुप एलिमिनेट करना, एलिमिनेशन रिएक्शन, एलिमिनेशन रिएक्शन. ठीक है. एलिमिनेशन रिएक्शन दो तरह की होती है आपकी, एक अल्फा एलिमिनेशन, एक बीटा एलिमिनेशन. ठीक है.
यहाँ पे एक दो एटम और ग्रुप निकलेंगे, यहाँ पे एलिमिनेशन में वन एटम वन ग्रुप है ना, या दो ग्रुप या दो एटम, दो चीजें कोई निकलेगी। अगर वो दोनों चीजें निकलने वाली एक ही कार्बन से अटैच है, ठीक है, एक ही कार्बन से अटैच है, यहां से एक एक्स निकलेगा, एक एच निकलेगा, एक एक्स एच निकलेगा, एक एक्स निकलेगा। तो आप देखिए यहां पे ये निकलने वाला एक्स और एच सेम कार्बन से अटैच था, तो वो आपका कहलाता है अल्फा एलिमिनेशन, है ना। मैंने आपको बताया एलिमिनेशन मींस कि दो एटम निकलेंगे या दो ग्रुप निकलेंगे, या एक एटम निकलेगा या एक ग्रुप निकलेगा, दो चीजों ने निकलना है। अगर वो दोनों चीजें आपकी सेम कार्बन से अटैच है तो अल्फा एलिमिनेशन, अगर वो आपकी डिफरेंट कार्बन से अटैच है तो वो आपकी बीटा एलिमिनेशन। अब दोनों एलिमिनेशन एलिमिनेटिंग ग्रुप अगर एक ही कार्बन से अटैच है तो वो रिएक्शन करना बड़ा मुश्किल होता है, तो इन रिएक्शन को करना बड़ा मुश्किल होता है, क्योंकि दो चीजों को निकालना एक ही कार्बन एटम से बड़ा मुश्किल टास्क है। तो हमें नॉर्मली बीटा एलिमिनेशन देखने को मिलता है। बीटा एलिमिनेशन रिएक्शंस जो हैं, ये आपकी दो तरीके की होती है, E2 एंड E1। अब यहां भी 2 और 1 का फंडा वही है, 2 इट स्टैंड्स फॉर बाई मॉलिकुलर, मीन्स रेट ऑफ रिएक्शन दो चीजों पर डिपेंड करेगा। E1 रेट ऑफ रिएक्शन सिर्फ सब्सट्रेट पर डिपेंड करेगा, सेम वही चीज यहां पे जैसे हमने SN1 और SN2 में पढ़ी, सेम वही चीज 2N1 का फंडा है। एलिमिनेशन रिएक्शन कैसे होती है, बीटा एलिमिनेशन खास तौर से, सपोज हमने यहां पे लिया C सब्सट्रेट ले रहे हैं, ठीक है, यहां पे H जो होती है इन द प्रेजेंस ऑफ अ स्ट्रॉन्ग बेस होती है, क्योंकि कोई भी चीज आपको निकालनी है इसके अंदर से, तो वी हैव टू टेक द स्ट्रॉन्ग बेस, तो हमने यहां पे एक स्ट्रॉन्ग बेस ले लिया, ठीक है, टर्शियरी ब्यूटॉक्साइड कोई भी, तो यहां पे हम सोडियम इथॉक्साइड वगैरह कुछ ले लेते हैं। अब एलिमिनेशन रिएक्शन जो है ये सब्सट्रेट है, ठीक है, सब्सट्रेट जो है, सब्सट्रेट में यहां पे जैसे हमने एडिशन में पढ़ा, एडिशन रिएक्शन में डबल बॉन्ड इज कन्वर्टेड इनटू द सिंगल बॉन्ड, और एलिमिनेशन रिएक्शन एडिशन की रिवर्स होती है, यहां पे सिंगल बॉन्ड इज कन्वर्टेड इनटू द डबल बॉन्ड, सिंगल बॉन्ड से डबल बॉन्ड बना है। अब ये बेस जो है ये आता है, ये सब्सट्रेट है हमारा, इसमें से एक हाइड्रोजन को अपने साथ लेके जाता है, ये जो हाइड्रोजन है बड़ा लॉयल होता है अपने सब्सट्रेट के लिए, ठीक है, ये अपने लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन बॉन्ड के ये यहां पे इधर दे देता है। और दूसरा जो आपका एलिमिनेटिंग ग्रुप होता है वो मोस्ट प्रोबेबली अधिकतर सब्सट्रेट में हैलोजन ही होते हैं, क्योंकि वो आपके अच्छे लिविंग ग्रुप होते हैं, वो यहां से Cl यहां से निकल जाता है एक ही स्टेप में। यहां पे जब आपका ये एक रिएक्शन होगी, एक ही स्टेप में ये रिएक्शन होगी, एंड प्रोडक्ट जो है वो आपका इस तरीके से बन जाएगा, ठीक है, हमारा डबल बॉन्ड बन गया, ठीक है। तो यहां पे देखिए, तो ये वन स्टेप प्रोसेस होती है, एक ही स्टेप में आपका रिएजेंट भी इन्वॉल्व है, रिएजेंट भी इन्वॉल्व है, सब्सट्रेट भी इन्वॉल्व है, और दोनों इन्वॉल्व है, इसलिए हम इसको E2 कह रहे हैं, और ये आपका प्रोडक्ट बन जाता है, हाइड्रोजन अपने बॉन्ड पेयर इधर देके जाता है और यहां पे डबल बॉन्ड बन जाता है, तो यहां सिंगल बॉन्ड आपका चेंज हो जाता है डबल बॉन्ड में। E1 में क्या होता है कि टू स्टेप प्रोसेस होती है, पहले जो ये सब्सट्रेट है इसमें से आपका लिविंग ग्रुप जाएगा, ठीक है, और कार्बोकेटायन बनेगा, यहां से पहले एक लिविंग ग्रुप चला गया, ये वाला अच्छा लिविंग ग्रुप है, ये चला गया, आपका कार्बोकेटायन बन गया जैसे हमने SN1 में पढ़ा था। फिर आपका बेस आएगा आएगा और अपने इसमें से एक हाइड्रोजन को लेके जाएगा सेकेंड स्टेप में से, और आपका प्रोडक्ट बनाएगा सेम जैसे हमने SN1 में पढ़ा था। यहां भी E1 में जो फर्स्ट स्टेप होता है वो आपका स्लो स्टेप होता है, जिसमें Cl इसमें से निकलेगा बस, और उसमें सिर्फ सब्सट्रेट होता है, रिएजेंट होता ही नहीं है। सेकेंड स्टेप में रिएजेंट आता है, तो रेट ऑफ रिएक्शन सिर्फ फर्स्ट स्टेप में, क्योंकि रेट ऑफ रिएक्शन किससे डिटरमाइन होता है, स्लो स्टेप से, फर्स्ट स्टेप स्लो स्टेप होता है, तो इसीलिए ये आपकी रिएक्शन जो है वहां पे सिर्फ एक ही चीज पे डिपेंड करती है, सब्सट्रेट पे। तो इस तरीके से हमें एलिमिनेशन रिएक्शन देखने को मिलती है, वेरियस टाइप्स ऑफ एलिमिनेशन रिएक्शन। और यहाँ पे हम लोग एक रूल पढ़ते हैं, जैसे हमने एडिशन में पढ़ा, यहाँ पे भी एक हम रूल पढ़ते हैं, हॉफमैन रूल। हॉफमैन रूल मींस कि मोर सब्सटीट्यूटेड प्रोडक्ट विल प्रीडोमिनेट।
एलिमिनेशन अगर हम पढ़ रहे हैं तो हमें हॉफमैन रूल पता होना चाहिए, एडिशन अगर हम पढ़ रहे हैं तो हमें मार्कोनिकोफ रूल पढ़ना चाहिए. जैसे कि फॉर एग्जाम्पल CH3CH2, ठीक है, आप इसमें आपको एलिमिनेशन होना है. ठीक है, अगर इसको मैं और एक्सप्लेन करके लिखूं, यहां पे इस तरीके से लिख सकती हूँ CH3CH2CHCl CH3. ठीक है, अब जब भी आपका ये रिएक्शन होगी तो यहां से एक हेलोजन निकलेगा और एक हाइड्रोजन निकलेगा. ठीक है, हम इसमें क्या कहते हैं कि ये जो कार्बन है, इस कार्बन से ये अल्फा से हेलोजन निकलता है जब भी आपका एलिमिनेशन होता है, और बीटा से आपका हाइड्रोजन निकलता है. ये चीज बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको आप यहाँ पे और अच्छे से समझें कि जब भी एलिमिनेशन होगा तो अल्फा से हेलोजन निकलेगा, अल्फा कार्बन से, और अल्फा कौन सा होगा जिससे हेलोजन जुड़ा होगा, उससे नेक्स्ट कार्बन कौन सा होगा बीटा कार्बन होगा, उससे आपके हाइड्रोजन निकलेंगे. तो जब निकलेंगे तो आपके दो तरीके के प्रोडक्ट बनेंगे, तो ये बना दें और एक ये बना दें. तो हॉफमैन क्या कहते हैं कि दो तरह के प्रोडक्ट बनते हैं जब भी एलिमिनेशन होता है, और जब भी एलिमिनेशन होगा तो अल्फा से हेलोजन निकलेगा और बीटा से आपका हाइड्रोजन निकलेगा. ठीक है, तो हॉफमैन कहते हैं कि मोर सब्सिट्यूटेड प्रोडक्ट विल प्रीडोमिनेंट, मोर सब्सिट्यूटेड प्रोडक्ट जिनमें ज्यादा सब्सिट्यूशन होगा वो आपके ज्यादा अमाउंट में बनेंगे. मोर सब्सिट्यूटेड प्रोडक्ट प्रीडोमिनेंट, प्रीडोमिनेंट. ठीक है, तो इस तरीके से आपको पता चलता है हॉफमैन से कि कौन सा ज्यादा अमाउंट में बनेगा. जैसे सपोज ये आपका बनेगा 80% और ये आपका बनेगा 20%. तो इस तरीके से आप अपने प्रोडक्ट निकाल लेते हैं कि कहां से आपको बनना है. फिर इसके बाद आता है आपका रीअरेंजमेंट रिएक्शन, लास्ट रिएक्शन. विद इन द मॉलिक्यूल आपका रीअरेंजमेंट होता है और यहां पे वन आइसोमर दूसरे आइसोमर में कन्वर्ट होता है. रीअरेंजमेंट रिएक्शन, रीअरेंजमेंट रिएक्शन, रीअरेंजमेंट रिएक्शन. जैसे सपोज मेरे पास एक हमने पेंटेन ले लिया, एन पेंटेन ले लिया, 1, 2, 3, 4, 5, और इसमें हमने कराई एन हाइड्रस AlCl3 से रिएक्शन कराई, और इसको मैं ऐसे बना दू. ठीक है, तो हमने यहां पे क्या किया कि स्ट्रेट चेन कंपाउंड से ब्रांच चेन कंपाउंड बना लिया. ये रिएक्शन कहां यूज होती है, रीअरेंजमेंट रिएक्शन. जैसे कि आप फ्यूल की बात करें, जैसे कि आप पेट्रोल की बात करें, पेट्रोल के अंदर बहुत सारे हाइड्रोकार्बन होते हैं ऐसे. ठीक है, अब पेट्रोल के अंदर बहुत सारे हाइड्रोकार्बन हैं, लेकिन पेट्रोल की क्वालिटी किस पे डिपेंड करती है, उनके ऑक्टेन नंबर पर. ऑक्टेन नंबर किसका ज्यादा होता है, जितना ब्रांच चेन कंपाउंड उसके अंदर होता है उतना अच्छा आपका पेट्रोल की क्वालिटी होती है. इसको सिंपल लैंग्वेज में ऐसे समझे, तो हमारे पास कोई एक स्ट्रेट चेन कंपाउंड है, उसको हमने ब्रांच चेन हाइड्रोकार्बन में चेंज कर दिया. तो इस तरह से हम अपने पेट्रोल की क्वालिटी या किसी भी ईंधन की क्वालिटी, डीजल की, डीजल नहीं, डीजल के केस में इसका रिवर्स होता है, पेट्रोल की क्वालिटी को हम आप अपना बढ़ा सकते हैं. इस तरीके से स्ट्रेट चेन कंपाउंड से आपका ब्रांच चेन कंपाउंड हुआ, विद इन द मॉलिक्यूल रीअरेंजमेंट हुआ. यहां भी 5 नंबर कार्बन थे, यहां भी आपके 5 नंबर कार्बन थे, और इस तरीके से हमने रीअरेंजमेंट करके वन आइसोमर से दूसरा आइसोमर लिया, बट जिसकी आपकी प्रॉपर्टीज जो है, केमिकल प्रॉपर्टीज जो है, वो आपकी डिफरेंट है. तो रीअरेंजमेंट रिएक्शन वो होती है जिसमें विद इन द मॉलिक्यूल आपका रीअरेंजमेंट होता है. तो इस तरीके से हमारे ऑर्गेनिक में बहुत सारी आपकी डिफरेंट टाइप की ऑर्गेनिक रिएक्शन को देखने को मिलता है. इसके बाद भी आपको अगर किसी तरह की क्वेरी हो तो यू कैन मेल मी, आप मुझे मेल कर सकते हैं, है ना. मेरा एड्रेस है SHEFALI.ARORA@DDN.UBES.AC.IN.